वालेकुम सलाम। दादी मैं खा रही हूँ अपना केक। ये आपके लिए चीज़ कौन लाया है? सारी खाई चाचा मेरी ना। अच्छा चले, अभी हमने व्लॉग आज स्टार्ट किया है क्योंकि हमने कहा था डेली व्लॉगिंग। तो देखिए, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक लोग हैं। सच्ची बात यह है, घर ऐसे ही होता है हर किसी का। अभी बेड मेकिंग करनी है क्योंकि बिस्तर फैला हुआ है। अब अगर हम पहले से करते और इस तरीके से शो करते कि सब कुछ ही हमारा हर वक्त परफेक्ट रहता तो वो तो एक झूठा, एक धोखा ही होता। यह है कि बच्चों वाला घर है और जाहिर सी बात है सब कुछ होता है, लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं बेड मेकिंग। फिर जो है ये बच्चे उठे थे और इनके भाई इनके लिए चीज़ लाए हैं क्योंकि सुंदर थोड़ा सा नाराज थी, रो रही थी। तो अभी ये लोग भी सारे जो तैयार हैं। हाँ वो तो, लेकिन किसी वजह से क्योंकि आप जिद कर रही थी। और अच्छा, और सुंदर अभी तैयार हो के आपसे मिलती हैं और ये पता नहीं क्या गंद भला खा रही हैं, जबकि आजकल इनकी आदत बिगड़ गई है। ये वाली लड़का पाउडर के अंदर मिलाकर। अच्छा गाइज, आप लोग बताएं आप लोग को ये हमारी डेली व्लॉगिंग जो है, आज आई थिंक हमारा डे फोर्थ है मैंने रिकॉर्ड किया, आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर हम और बनाएं। और ये जैसे मैंने आपको बताया था हमारा आर्ट्स कॉर्नर बच्चों ने बनाया हुआ है, तो आज सुंदस ने वो जो पिंक और ग्रीन देख रहे हैं वो सुंदस ने बनाया हुआ है और जो है बहुत अच्छा है। बाकी सब सारे ने बनाया हुआ है, हाउस वगैरह भी और चीज़ें मैंने इनसे कहा है। मैंने सारे से कहा है कि कुछ और नया अच्छा सा बनाओ ताकि जो है हम लोग यानी कि वो कर सकें, अच्छा सा इसको लुक दे सके। तो बस मिलते हैं, आज हमें जाना भी है, मेरे भाई की बर्थडे है बड़े भाई की, तो फिर मिलते हैं इस कमरे को साफ़ करते हुए और बच्चों को साफ़ करने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रूम पूरा टाइडी अप हो चुका है, क्लीन हो चुका है। इट्स 5 o'clock और अब हम लोग तैयारी करेंगे भाई के घर जाने की क्योंकि उनकी बर्थडे है, तो सरप्राइज़ बर्थडे यानी कि हम लोग सरप्राइज़ होंगे उनके लिए। और हम लोग जा रहे हैं और मैं गिफ्ट लेके जा रही हूँ, अब देखते हैं कि उन्हें पसंद आता है कि नहीं। और जो है देखिए माशाल्लाह कमरा साफ़ हो गया, बस बच्चों वाला यही घर है और वो ड्रॉर मैं सॉरी कबर्ड की वो ड्रॉर बंद करना भूल गई, बट कोई बात नहीं, मैं उसे बंद करती हूँ क्योंकि यही होता है। अब डेली व्लॉगिंग है तो ऐसे ही कुछ। मैंने मास्क को जो है ना भिगो के रखा था ताकि मैं इसे वॉश कर लूँ अच्छे से। ये दोनों जो है चुनरी शेप के एक ही कलर के हैं और ये दोनों ये सब पे चल जाते हैं। ये मेरे पास 4 बेसिक मास्क हैं लेकिन ये सब पे चल जाते हैं, तो बस इसको मैं हल्का सा ऐसे ही एंटी बैक्टीरियल सोप से क्या कहते हैं ऐसे ही बस भिगो के रखते हैं, वैसे मैं वॉश कर दूँगी, रिंस कर दूँगी एंड देन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बस ये एक काम है और किचन को थोड़ा सा यानी कि मैस को क्लीन करना है, ये जितने भी धुले हुए बर्तन ने जगहों पे रखना है और बस उसके बाद फिर चलते हैं। जी मैं जो हूँ अपनी ज्वेलरी आपको बेसिक थोड़ी सी फैंसी ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये जो बॉक्स है मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था यानी कि उन्होंने मुझे दिया था, तो इसमें मैंने अपनी फैंसी ज्वेलरी रखी है। और अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फैंसी ज्वेलरी शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखें बॉक्स है, बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है और ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। खैर ये जो है ये सारी ज्वेलरी जो है मेरे हस्बैंड की है यानी कि उनकी अपनी शॉप की है, तो मैंने यहाँ रख दिया है। इसमें जो है ना ये देखें ये चांदी का है यानी कि गोल्ड प्लेटेड है ये और चांदी का है, बहुत अच्छा है ये, बहुत खूबसूरत है ये। मैं तो इसे मंगलसूत्र कहती हूँ, खैर है नहीं मंगलसूत्र। ये वाला सेट जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, चांदी का ये वाला सेट सुंदस के पैदा होने पर दिया था, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। तो सुंदस जब पैदा हुई थी ना तब उन्होंने मुझे ये दिया था, ये देखें। और ये भी चांदी के हैं ये वाले, ये बहुत खूबसूरत है। और ये कल ही जो है यानी कि जब हम शादी में जाते वहाँ से वापसी में हम मार्केट गए थे खुर्रम की, तो वहाँ से मैंने दुकान से ये उठा लिए। और एक गोल्ड के प्यारे से टॉप्स हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, वो मैंने ले लिए, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने कहा ये मुझे चाहिए, मैं ये ले रही हूँ। ये खैर ये मेरे पास ये क्लिप था, ये है सुंदस का लेकिन मैंने इसमें रख दिया, ये सुंदस और मैं दोनों लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा है, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे ये वाले, और ये भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिए हुए हैं, ये उनके थे लेकिन अब उन्होंने मुझे दे दिए। ये इसका लॉकेट है और इसी तरीके से और भी बहुत सारी फैंसी ज्वेलरीज में हैं, इनमें भी मेरी कुछ इसमें क्या है नेकलेसेस वगैरह हैं, ये भी मदर इन लॉ ने दिया था ये वाला, मैं अभी नेक्स्ट टाइम ओपन करके दिखाऊंगी। और ये मेरी अम्मी ने दिया था मुझे, ये ब्रेसलेट है ये हाथ में पहनने वाला। और ये जो है बस मैं फैंसी थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा कैजुअल है उसमें तो बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं बाद में दिखाऊँगी। ये मुझे मेरी बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने दिए थे
तो इसके लिए मेरे पास कोई अच्छा पाउच नहीं था, तो मैंने ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे ये बलूचिस्तान गया था वहाँ से सबके लिए लाया था, यानी अम्मी के लिए, मेरी भाभी के लिए और बहनों के लिए। तो ये जो है बहुत अच्छा सा बैग है, ये कंफर्टेबल है फॉर्म वाला भी ना, तो फिर मैंने इसमें फ़िलहाल रख दिया है। अब हस्बैंड से कहूँगी कि मुझे कोई अच्छा सा ऐसा केस ला के दें जिसमें ये प्रोटेक्ट हो जाए ना। तो ये कुछ बेसिक थी, मैं भी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी क्योंकि अभी हमें दावत में जाना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँ आपके साथ, तो फिर इंशाल्लाह ताला बताइएगा, फिर मैं वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू। आज मैं ये वाला ड्रेस वियर करूँगी और इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी दिखा दूँ। अभी मैं इसको प्रेस करूँगी हल्के से, ये स्टिच होके आया था, मैंने सोचा था इसे 14th August पर पहनूँगी, लेकिन यह है कि आज बर्थडे तो जो आज पहन लेते हैं। तो ये इसकी नेकलाइन है और ये मैंने ऐसे लेस लेके वी शेप में बनवाया हुआ है। देन इसमें जो है 5 buttons लगाए हुए हैं। देन ये नीचे से बेल शेप स्लीव्स हैं चौड़ी वाली, ये बॉर्डर लगवाया है, यहाँ पे लेस है। देन ये जॉइंट लेस हैं ये दोनों, ये देखें आप। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 2 इस तरीके से जॉइंट लेस लगवाई है, फिर बॉर्डर, और बॉर्डर के पास फिर नीचे से हमने ये लेस लगाई है, और ये आगे और पीछे दोनों में सेम काम है। ओवरऑल लुक इसकी कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। देन ये ट्राउज़र है, और ट्राउज़र में इस तरीके से जॉइंट लेस है 2, और ये जो है ना इस पे चौक के निशान आ गए। खैर मैंने अंकल को कहा भी था लेकिन कोई बात नहीं, कह रहे थे वॉश होके मिट जाएगा। और ये समोसे बने हुए हैं यहाँ पे, ये समोसा स्टाइल है, काफ़ी क्लासी सा है। और ये इसका दुपट्टा है, और ये जो ड्रेस है ये बिन सईद का है, ज़्यादातर मैं बिन सईद ही पहनती हूँ और अच्छा लगता है मुझे, अफोर्डेबल भी है, यानी रीज़नेबल है। खैर अफोर्डेबल तो अब इतने हैं नहीं क्योंकि ये भी एक्सपेंसिव हो गए हैं काफ़ी, लेकिन अच्छा है, कपड़ा अच्छा होता है। तो ये मैंने इस तरीके से डबल जापानी पीको कराया है, ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन शेप में। तो दिस इज़ माई ड्रेस ऑफ द डे, और फिर मैं पहन के देखूंगी कि इसकी लुक कैसी है, बस इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी निकालते हैं। ये देखें ये क्यूट से जो टॉप्स हैं, क्यूट से छोटे से चुन्नू से, ये कल मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं कि मैं डेली वेयर में, मतलब डेली बेसिस पे घर पे पहनूं, लेकिन ये जो है आपको दिख नहीं पा रहा, मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये। तो ये जो है अब मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगी पहन के रखूँ, क्योंकि मैं जो मेरे कान खाली रहते हैं। क्यूट से टॉप्स जो है ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पहनना उन्ना नसीब करे, यानी कि मेरी बेटी को पहनाए हमने अभी। ये हस्बैंड लाए तो मेरे लिए थे कि मैं पहनूं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी पहने। और अभी अभी मैंने सुंदर के ये वाले टॉप्स उतारे हैं छोटे से क्यूटू से, अभी मैंने ये वाले टॉप्स उतारे हैं और इसको ये पहना दिए हैं। आप लोग बताइएगा ये कैसी लग रही है, माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। सुंदर दिखाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। तो जी अब तैयारी हो गई थी भाई के घर आने की, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ भी चुके हैं, पहुँच गए थे, और जो है क्या कहते हैं मेरे भाई की बर्थडे थी, तो बस हम लोग यहाँ बैठे थे और गपशप कर रहे थे, और बस ऐसे ही मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहा हमारा माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं आपको कुछ डेकोरेशन दिखा रही हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे हमने आज 3 किस्म के केक खाए थे आज, यानी कि जिस दिन बर्थडे थी अटेंड करके हैं मैं, इसी दिन आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि 4th August को। तो खैर ये देखें पहला चीज़ केक था, ये दूसरा एक चॉकलेट केक था, और जो एक्चुअल हमने केक यानी कि जो भाभी ने ऑर्डर किया था ख़ास, तो वो अभी आएगा आगे पिक्चर्स में। और ये बनाई थी भाभी ने बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई और सिंगापुरियन राइस, तो डिनर लग रहा था और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार खाना था। ये देखें जी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत ही लजीज, आपको शक्ल देख के ही लग रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा, तो सब कुछ अच्छा बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छी रही बर्थडे भी, एक केक ऑर्डर किया था, और ये डेकोरेशन वगैरह सब कुछ था, ये छोटे कुछ क्लिप्स एंड पिक्चर्स हैं। उसके बाद बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। और ये वाला एरिया जो है मुझे 13D ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इसके साथ साथ स्कूल्स एंड क्या कहते हैं कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, साथ साथ जो है अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं,
सब कुछ ही यहाँ पे है और काफ़ी खूबसूरत है ना ये एरिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचती थी यहाँ से गुजरूंगी तो वीडियो या क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, बट कभी करती ही नहीं थी इस इलाके की। तो आज मैंने पूरे के पूरे इस इलाके की जो है क्लिप्स ली हैं, मुझे अच्छा लगता है ये। जितनी बार भी यहाँ से गुजरो तो ये मुझे ये एरिया अच्छा लगता है। खैर सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है, तो क्योंकि हम इन्हीं इलाकों में रहते हैं तो हमें ऐसे ही इलाके पसंद आएंगे। और तो कोई इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं दरिया तो पहाड़ तो ये वो, तो हमारे सामने तो ये सब कुछ होता है, तो अब हम और क्या पसंद करें। खैर मेरी जो फील्ड है वो एजुकेशन है, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल्स कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस थे, तो प्रैक्टिकल सेंटर जो है ना वो भी यहीं पर होता है। और नॉर्मल डेज़ में तो इतना ज़्यादा रश होता है प्रैक्टिकल सेंटर की वजह से, क्या कहते हैं, जब वीकडेज़ होते हैं ना तो इतना ज़्यादा रश होता है कि बस। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि झंडे वगैरह लगे हुए हैं, तो भाई ये झंडे ऑब्वियसली क्योंकि अगस्त शुरू हो चुकी है, अब तो 5 अगस्त चढ़ गई ऑलमोस्ट, तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं और बस फिर हम लोग जो है यहाँ आप देख सकते हैं घर की तरफ आ चुके थे ऑलमोस्ट। और क्या कहते हैं, आज मैंने सोचा पूरे के पूरे क्लिप्स रिकॉर्ड करके ही रहती हूँ। अच्छा लगता है जब ट्रैवल करते हैं बाहर के क्लिप्स भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छा लगता है। बस ऐसे ही रैंडम सा व्लॉग था, काफ़ी अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से, ये दिन भी गुजर गया। अल्लाह ताला आने वाले लम्हात भी ज़िंदगी के हमारे जो है अच्छे गुजारे, इज़्ज़त वाले, मोहब्बत वाले। और बस यही सब कुछ कहना था। और 14 अगस्त की तैयारी आप लोग बताएं कि कैसी जा रही है, आप की जा रही है कि नहीं। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से स्टॉल्स वगैरह लगना शुरू हो गया, आगे भी आप देख सकते हैं। तो बस यही सब कुछ था, और मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरी दुआ में आप सब लोग हमेशा शामिल रहते हैं। और ये है कि मुझे आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगी, कोई टॉपिक सोच लिया करूँगी और उसके ऊपर बात क्या करूँगी, यानी कि टॉपिक डिस्कशन भी हुआ करेगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है आप लोग भी मुझे कुछ रेकमेंड करें। और बस मैंने कोशिश की है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, तो अभी जैसे तैसे आप लोग मेरे साथ टॉलरेट करें, मुझे सजेशन भी देते रहें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं फिर पूरी कोशिश करूँगी कि अपने कंटेंट को और जो है बेहतर से बेहतर जी तो यहाँ पे की तरफ ले जाया जा सके। और फेमस फूड स्ट्रीट है, मतलब ये कभी बंद ही नहीं होती, इसी चीज़ की रौनक है। और यहाँ देखें, यहाँ झंडे वगैरह या स्टॉल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी लग गए। और ये जो है जैसे ब्लॉक 7 में हुसैनाबाद हो गया, आयशा मंजिल हो गया, तो ये वो फूड स्ट्रीट या वो फूड स्ट्रीट मेला टाइप आप कह लेंगे वो है कि यहाँ रात गए तक लाइक फजर की अजानों तक भी ये सब खुला रहता है। और दूर दूर से लोग इस जगह पे आते हैं सूप पीने, गोला गंडा खाने, आइसक्रीम खाने, लिमका पीने, पता नहीं क्या कुछ, अंडे वाला बर्गर खाने, गोल गप्पे खाने, पानी पूरी खाने, मतलब आप देख सकते हैं स्टॉल पे ही स्टॉल है अल्हम्दुलिल्लाह से, इतनी रौनक है। तो बस यही है जी, तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलूँगी बशर्त ज़िंदगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए दुआ में आप रखेंगे एज यूजुअल, और मेरी दुआ में भी आप सब लोग हमेशा शामिल रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।